गाइस ये हमारा सबसे पहला टावर आ जाता है, टावर ए। टावर ए के अंदर अगर अपार्टमेंट का कॉम्बिनेशन देखते हैं, बेसिकली सोसाइटी के अंदर अपार्टमेंट का साइज अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे 3 BHK के 3 साइज हैं और 4 BHK का कॉम्बिनेशन है इसके अंदर। 3 BHK जो सबसे पहला साइज आता है आपका 2015 स्क्वायर फीट एरिया है, उसके बाद फिर 2050 स्क्वायर फीट एरिया आता है। 3 BHK विद सर्वेंट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपका 2150 स्क्वायर फीट एरिया आ जाता है 3 BHK विद सर्वेंट। 4 BHK का जो साइज़ है वो 2675 स्क्वायर फीट एरिया है, जिसके सैम्पल अपार्टमेंट भी हम आपको आगे चल के दिखाएंगे सारे। तो हमारा जो फर्स्ट टावर है उसके अंदर जो कॉम्बिनेशन ऑफ अपार्टमेंट्स है वो सिर्फ आपके दो तरह के अपार्टमेंट, 3 BHK और 3 BHK विद सर्वेंट, यानी कि 1 नंबर और 4 नंबर यूनिट जो है वो आपका 2015 और 2050 स्क्वायर फीट होने वाली है, और 2-3 नंबर यूनिट जो है वो आपकी 2150 स्क्वायर फीट होने वाली है, जो कि 3 BHK विद सर्वेंट वाली है। ठीक है, आगे हम आपको लॉबी दिखाते हैं, कितनी ग्रैंड लॉबी बनाते हैं बेस्टेक वाले। बहुत ही अच्छी सोसाइटी डेवलप की गई है। सामने अगर आप देख रहे हैं तो ये बेसमेंट के अंदर जाने की रैंप है, यहाँ से आप बेसमेंट में जाके अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। डबल बेसमेंट इसके अंदर होता है, तो काफ़ी अच्छा कार पार्किंग आपको देते हैं। जैसे हमने पिछली सोसाइटी में देखा है तो एक अपार्टमेंट के साथ 2 कार पार्क। टावर लॉबी के अंदर आ चुके हैं, अभी हम टावर सी के लिफ्ट लॉबी में हैं। तो मेरे पीछे जो अपार्टमेंट आप देख रहे हैं यूनिट नंबर 2 एंड 3, ये आपकी 3 BHK विद सर्वेंट है, 2150 स्क्वायर फीट एरिया। अभी हम स्टार्ट करेंगे 4 BHK से, जो कि यूनिट नंबर 1 एंड 4 है इसके अंदर। बेसिकली मेरे पीछे जो यूनिट आप देख रहे हैं दैट्स द 104 नंबर, 2675 स्क्वायर फीट एरिया है, 4 BHK विद सर्वेंट। ये इसका सर्वेंट रूम हो जाता है, आप देख सकते हैं बड़ा ही स्पेशियस सर्वेंट रूम है। इसकी अगर हम डायमेंशंस की बात करते हैं तो 7x6 की डायमेंशंस का आपका सर्वेंट रूम है, जिसमें अटैच्ड आपका वॉशरूम आ जाता है, अटैच्ड वॉशरूम है। इधर फिर ये आपकी एक रनिंग बालकनी हो जाती है, जो कि बहुत ही बड़ी लेविस बालकनी है, आप देख सकते हैं, और दोनों साइड में इसी तरह की बालकनी। ये आपका फर्स्ट बेडरूम हो जाता है। फर्स्ट बेडरूम के अगर डायमेंशन की हम बात करते हैं, 10.5x11.5 के आसपास का डायमेंशन से है इसमें। इसके साथ में ये आपका एक कॉमन वॉशरूम आ जाता है, जो कि बाहर से भी 21 का डोर है। इधर ये आपका फुल साइज, और हम क्या देखते थे अभी तक बेस्टेक जो यूज करता था वो PVC डोर फ्रेमिंग यूज करता था, जो ग्लास की जो विंडोज होती हैं उनके लिए, लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे तो ये प्रॉपर एल्यूमिनियम का है, जिसमें आपको ये जो थिकनेस है ये कम हो जाती है और आपका व्यू बहुत अच्छा रहता है, क्रॉस वेंटिलेशन बहुत अच्छा रहेगा अपार्टमेंट का। ये आपका सेकंड बेडरूम हो जाता है। सेकंड बेडरूम की जो डायमेंशन है वो भी आपकी लगभग 10.5x11 के आसपास, 12 के आसपास रहेगी। इसके साथ में भी अटैच्ड वॉशरूम है। इस अपार्टमेंट के अंदर सबसे बेटर चीजें जो मुझे जो लगती है वो बाथरूम के अंदर जो टाइल कॉम्बिनेशन इन्होंने दिया है, बहुत ही शानदार टाइल कॉम्बिनेशन है। और अगर आप देखते हैं तो रोका विरोही अमेरिकन स्टैंडर्ड की आपकी सारी की सारी सैनिटरी फिटिंग है, जिसमें ग्लास भी आपको मिलने वाला है इसी के साथ में, और जो ये वॉश बेसिन है ये भी इसके साथ में ही आपको मिलने वाला है। टाइल्स कॉम्बिनेशन अगर ये डाइनिंग एरिया आ जाता है, डेप्थ वॉल के लिए सफिशिएंट है। यहाँ आप देख रहे हैं चहल पहल बहुत है, क्लाइंट्स बहुत सारे हैं। अब यहाँ पे आ जाता है ये किचन, विच इज अ वेरी गुड साइज। इसका किचन अगर आप देखेंगे राघव, तो किचन थोड़ा सा आपका ये रेक्टेंगल शेप में आ जाता है। ऑब्वियसली इसमें भी जो किचन आपको देंगे वो आपका मॉड्यूलर किचन बना के देंगे, जिसमें आपका सिर्फ चिमनी और हॉब नहीं रहेगा, बाकी एज इट इज अपर कैबिनेट, लोअर कैबिनेट, सिंक, इधर भी लोअर अपर कैबिनेट, लोअर कैबिनेट, सिंक, ये सारी चीजें आपको मिलेगी। और दिस इज द यूटिलिटी बाथरूम, जो कि आपकी डायरेक्टली कनेक्टेड है विद सर्वेंट रूम। इधर से आप जाएंगे तो सर्वेंट रूम से आपकी बालकनी कनेक्टेड हो जाती है, तो वेट एरिया जो आता है वो यहाँ पे आपका आता है, प्रॉपर जो वॉशिंग मशीन लगी है वो यहाँ पे आपकी लगी।
सो दिस इज फर्स्ट बेडरूम। बेडरूम के अगर साइज आप देखते हैं, बड़ा ही डिसेंट साइज है आपका, 11.5 by 10.8 का साइज है ये आपका, जिसके अंदर आपका अलमीरा बनी हुई है, पेन से जो साइज बेड लगा हुआ है, प्लस इसके साथ में आपकी एक बालकनी भी है, जिससे कि आपके अपार्टमेंट का क्रॉस वेंटिलेशन बहुत अच्छा रहता है। इसके साथ में टेस्ट वॉशरूम है।